पतला है तो जरूरी नहीं वो शरीर का स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ शरीर की परिभाषा अलग होती है। अरे सर बढ़िया, सर क्या हाल है, मैं बढ़िया, वो खुश रहता मेरा। अच्छी एक्सरसाइज करते हो, क्या बॉडी शेप बहुत ही अच्छी है। ये क्या कहती है सर, मैं सर बिजनेस हो रहा है। अमित कपूर, अमित कपूर, ये कपूर फैमिली से है, यही लेकर गया था मैं वहाँ पर। For greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. Ah. वही सोने का टाइम है, फोटो ले ली पीना, बताओ भैया मैं तो खाऊंगा। ये ब्लॉग्स बन रहा है। अरे यार अभी थोड़ी देर में और गर्मी हो जाएगी। अब तो और गर्मी लग रही है। सारे आ निकलेंगे, अरे आ जाएंगे ना, ऐड कर देंगे ना, ऐड करवा लेते हैं, बोल देते हैं। वैसा इधर ऐड करवाते हैं, इधर आ जाओ प्रकाश, इधर आ जाओ, कोई नहीं बैठूंगा। क्या हो गया? अरे वहाँ जरूरत नहीं पड़ती, हरियाणा जरूरत नहीं पड़ती, इनका चलते सही है। अरे अभी मेरी बहन का वो पढ़ा वहाँ पे, तुम वहाँ पे डांस, वो पेपर के टाइम में तुम ऐसे डांस करते हो, लिख रही होगी। नहीं तो क्या कहती है सर, मैं सर बिजनेस हो रहा है, आप कर दो प्लीज। देखो नींद आ गई सर, मतलब जल्दी कर ले और दे दे ऐसे ऐसे, वो सब सारी टीचर। क्या बोलते हैं आपको मैडम जी, तू क्या, तू यहाँ क्या करने आई है, ऐसे बोलते थे। लगता नहीं था टीचर वाली वाइस नहीं आती, टीचर ऐसी आदिवासी है अभी तक सुधरे पीछे दो चीज बदल है, मास्क खाने आदिवासी गांव से आया है, मास्क खाने में मास्क मास्क बिड़ा है, दो फल पसंद है, दो चीज होता है। क्या करना है खाने की बात है, मैंने सो जाती है, इडली पाव, अरे ओनली पाव, पैर पैर वैर कुछ भी है, होल व्हीट पाव, होल व्हीट पाव नहीं मुझे नहीं लेना, होल व्हीट पाव भाजी भाई लिखा हुआ है, कैपेचिनो बोला तो सही है यार। तेरा बेटा बस उसका अंतिम समय आने वाला है, वो मेरे को दे दे, पराठा लेना। हाँ सर, सर जी एक्चुअल बॉडी होती है ना, उसे लीन के बारे में समझाएं कुछ। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बीइंग फिट प्लीज। पतला है तो जरूरी नहीं वो शरीर का स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ शरीर की परिभाषा अलग होती है। लीन कौन होता है, लीन कैसी बॉडी होती है? बाबा आदम आ गए हमारे पास, स्वस्थ शरीर की परिभाषा अलग होती है, नॉर्मल है जो दिखने में आप एक्चुअली होते हो, दिस लीन बॉडी। ऑफ फिट बॉडी का क्या डेफिनेशन है, जब आप इक्विपमेंट्स के साथ अच्छी एक्सरसाइज करते हो, बॉडी शेप बहुत ही अच्छी लगती है, दिस फिट बॉडी। ओके थैंक यू। बेटा लीन बॉडी बताना, और तो नहीं आ रही। अच्छा तेरी कौन सी बॉडी है बता, जमीन पे लीन होता है मेरी बॉडी, नेचुरल है, लीन नहीं है, लीन नहीं है, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, बैटरी का डोला देख रहे हैं, लीन होता बिल्कुल जब हम इसके घर गए थे तो ये कितना बोल रहा था, वो तो बीबी के फोटो खिंचवाना क्यों कर ला, वही लगा पड़ा था साथ में, वहां तो खिंचवा नहीं सकता, वही वाली बात। मैं तो अब ये पास भी नहीं आया हमारे साथ, अब मैं साथ में तबना करता हूँ बीबी से, हाँ भाई मैं डरता हूँ, बहुत डरता हूँ, बच्चों की कर रहा हूँ, बीबी के बना दिए इसके साथ, और मेरे पास के साथ इसके साथ। अरे ये तो हमारी वो है, क्या बोलते हैं, साथ में डांस करती है ना, तो बच्चों नहीं करेगा, बच्चों नहीं करेगा, हम मनीष पांडे, तो
क्यों है मनीष पांडे हम नहीं छोरे वाले भाई ऐसे बहुत मिलते हैं बीबी को वीडियो दिखाएंगे वाले हम लोगों को वहाँ पहुँचाया था यही वो ये था वो पहला स्टूडेंट यही कैलकुलेटर जिसने सबको बताया मुझे भाग्य हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं और मैं निकलता हूँ अमित कपूर हमने कपूर ये कपूर फैमिली से है यही लेकर गया था मैं ये कपूर फैमिली से है करीना कपूर और करीना कपूर उसकी सिस्टर ठीक है भाई ठीक है पागल हो गया पानी पीते हुए बाल्टी मंगवाऊं तेरी है बाल्टी की है तो सही नदी में डाल दो मुंह लास्ट में पीने की आदत है ना बाल्टी बाल्टी मेरी मम्मी लगी मेरी मम्मी लास्ट में जा रही है उनकी भी आई साइड बहुत ज्यादा वीक हो गई पहले से ज्यादा मैं ले जा रही हूँ मेरी कि तो मेरा हाथ पकड़ ले कहीं गिर ना जाए मैंने कहा तुम एक अंधे को बोल रही जोड़ी एक अंधा एक जोड़ी मेरे को मैं बोल रही हूँ मैं भी गिर जाऊंगी मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है अंधेरा भाई इतना हुआ है ना तो मेरे को इतना प्लेन है ना आपका क्या उस पे पहाड़ी पे पहाड़ी पे चमोली भी ऐसे चमोली मस्त बेटा क्या हवा चलती है वहाँ से पहाड़ दिखाई देते हैं शिमला पर्वत कभी कभी जाते हैं कितने अभी तक नहीं गया अभी कभी घर से नहीं कमरे से नहीं निकलता बेटा खाना तो खा ले नहीं खाया था पिछले साल भूख मर गई बेटा इतना बड़ा हो गया बड़ा है भाई जो आया था तेरे साथ अच्छा मुझे लगा छोटा है मेरे को पहले छोटा होना था ना अभी ट्रीट करती हूँ छोटा है कॉमेडी वाला इसका भाई भी आया था कॉमेडी मतलब अरे का भाई हमेशा खुश रहता है मैं भी चलता हूँ अरे अरे भाई पता क्या अरे सर बढ़िया सर क्या हाल है मैं बढ़िया वो खुश रहता हमेशा अरे सर क्या बात है बड़े खुश होते हैं सर वो भी स्माइल रहता हूँ हमेशा तो जब भी देखेंगे ना मेरे साथ तो गया भी था वहाँ पे ले लिया था मैंने हेल्प कर दिया थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से मिलेंगे हमारे आराम से झूठा पति का झूठा पीते हैं क्या अभी ऑर्डर करो तो दे दीजिए ना वही खाए अभी तो दे सकते हैं हाँ कुछ है इसके अंदर फिलिंग ना ये देखो अब रंजीत तुम भी शादी करो जल्दी लीगली करो लीगली रोक इसमें तेरा क्या फायदा तो बस ठीक है लीगली फटाफट जल्दी से कर लो लीगली तो 500 कर रही है अच्छा ऐसा क्या भाई सुन नहीं वही है क्यों मसा रही है हो नहीं वही है शादी के चक्कर में अरे तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और जा रहा है क्या कर रहा है आराम से और तेरा कैमरा साफ नहीं है गंदा हो रहा है कहीं मतलब एक रैंडम कैंडिडेट पिक होनी चाहिए ओए क्या बात है क्या डांस मेरी डाली तो गाइस ये देखिए किस तरह की अश्लीलता यहाँ पर हो रही है अरे पेड़ पे चढ़ के करते हो तेरी वाइफ मारेगी पकड़ के चलो 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 कुछ भी डबल मीनिंग लेना ले लो दोस्तों यहाँ पर बच्चों के लिए जो है एडवेंचर पार्क भी है जिसकी कॉस्ट अराउंड 25 रुपीस है और काफ़ी सारे यहाँ पर जो है झूले हैं सो गाइस सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो झील है यहाँ पर कमल के फूल उगते हैं दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 2018 में टाइम मैगजीन ने सुंदर नर्सरी को दुनिया के 100वें उत्कृष्ट जगहों में शामिल किया था आदि सुधा हरामी आदमी भाई आ जाएगा ब्लॉग फूल फेंक फेस पंच मारो इनको
भाई ले लगा दी थी पेट निकल गया। दोस्तों ये जो जगह है 90 एकड़ में फैली हुई है, इसमें मुगल काल की कई ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ पेड़ पौधों की 100 भी नहीं 200 भी नहीं 300 प्रजातियां हैं। संगमरमर के फव्वारे भी हैं, बगीचा और चिड़ियों की 80 प्रजातियां भी हैं यहाँ पर। दोस्तों इस नर्सरी का जो इतिहास है काफ़ी पुराना है। 16वीं सदी में मुग़लों ने इसे अजीम बाग के नाम से बनाया था, फिर इसको विस्तार दिया अंग्रेज़ों ने। सन 1923 में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के दुर्लभ पौधों को यहाँ लाकर लगाया गया, इसलिए इसे नर्सरी का नाम से जाना जाता है। नाम में सुंदर यहाँ मौजूद सुंदर बुर्ज मकबरा की वजह से लगा। आगा खान ट्रस्ट ने केंद्र सरकार के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और दक्षिण दिल्ली नगर निगम और पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर इसे विकसित किया था। लगभग एक दशक तक कड़ी मेहनत के बाद यह स्थान सरकारी और निजी क्षेत्र के मिले जुले प्रयास के नायाब नमूने के तौर पर उभरा। सो फाइनली गाइस ये था आज का ब्लॉग। होप करता हूँ कि आपको जो है काफ़ी पसंद आया होगा, आप काफ़ी जो है इंजॉय आपने फील किया होगा। और नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।